Sure. राम से मैं गंदे राम से राम से राम से ये बात हो गई। अरे सर और जी मैडम भैया भैया एक मिनट साइड में लगा रहा भैया। यार भाई मैं ये कह रहा था बहुत तेज टट्टी आ रही है भाई मेरे। यार भाई तूने इस चीज के लिए रोका यार? हाँ पर कोई पता है आपको कोई बाथरूम वगैरह? यार चूतिया है कि यहाँ पे इतनी सारी झाड़ियाँ कहीं पे भी रख दे। यार बात तो सही कह रहा हूँ तो थैंक यू भाई। आपको जा रहा भाई? अरे सर कुछ नहीं, बंदी को छोड़ने में थोड़ा सा आगे से जा रहे हैं ना। अभी वो बताओ आप। सर प्लीज अभी तो छोड़ दीजिए, मुझे यहीं तक जाना था इसलिए मैं हेलमेट लेके नहीं आई थी, नहीं तो हर टाइम मैं लेके ही आती हूँ। अभी फिलहाल छोड़ दीजिए प्लीज। यहीं तक कहीं तक कहाँ तक जाना था? यहीं बस पास में ही जाना था मुझे, लक्ष्मी नगर तक। लक्ष्मी नगर? लक्ष्मी नगर तो पीछे। नहीं 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 के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लग रहा मैडम घबरा सी गई है। देखो उनके पुलिस वालों को देख के घबराऊंगी नहीं तो क्या मुस्कुराऊं। नहीं नहीं मैडम घबराओ मत, हमसे तो प्यार मोहब्बत की बातें करो, मतलब सॉरी मोहब्बत से बात, मोहब्बत से बातें करो, कोई मसला नहीं है। हमको जानवर थोड़ी है, शैतान थोड़ी है। देखो आप लड़की हो हम लड़के हैं, बस क्या करें सर, क्या करें छोड़ने के लिए। इंस्टा आईडी ले मैडम की? अरे नहीं नहीं सर मैं तो व्हाट्सएप नंबर लूंगा। तो फेसबुक आईडी मैं ले लेता हूँ सर, मुझे फिर घर का एड्रेस चाहिए। कह रहे हो? यार देखो अभी रिंग पहनाएंगे मुझे मैडम यहाँ। क्या सर मुझे माला पहनाएंगी? थोड़ा सा आगे तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। किसको छोड़ने के लिए? अच्छा तो तीन जने जाओ, दो जने जाओगे घर छोड़ने के लिए? ये कौन है? अरे आगे सर होगा हल्के। क्या कर रहे थे? तीनों जा रहे ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के। तुम्हें भी मिले थे क्या? मुझे पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। सर आप तो यहीं पर खड़े थे, अभी नहीं बोल रहे थे। ये हमारे साहब हैं, क्यों क्या हुआ, क्या पूछ लिया आपने? मैंने कुछ नहीं पूछा, पता नहीं गलतफहमी हो गई। हाँ भाई लाइसेंस दिखाओ। अरे दर को खड़ा हो जाओ मैडम, इधर को आ जाओ, आप भी दर को आ जाओ जी। अब बोलो तो बस आगे तक ही? नहीं आगे तक तो जाना मैडम, देखो सभी को आगे तक जाना है, एक दिन ऊपर भी जाना है, यानी जब सारी चीज है, मगर देखो रूल रेगुलेशन है, ऊपर जाने की भी रूल रेगुलेशन है। आगे तक ही जा रहे तो दो जने तुम छोड़ने जा रहे हो, तेरा तो चल भाई समझ आता तू बॉयफ्रेंड छोड़ने जा रहा, इसका क्या मतलब? ये भी तो बॉयफ्रेंड है। मैं बॉयफ्रेंड हूं। ये भी बॉयफ्रेंड है? और ये बॉयफ्रेंड है? क्या हो रहा है? ये तो खेल सा बना रखा भाई। दो बॉयफ्रेंड है आपके? मतलब पहले उसने प्रपोज किया, फिर मैं इसको मना नहीं कर पाई, उसके बाद उसने प्रपोज किया। सर जमाना इतना आगे कैसे बढ़ा? बचपन से साथ हम वहीं रह गए। पहले किसने प्रपोज किया? मैंने। बाद में इन्होंने? हाँ। तो तुमने हाँ कर दी? बुरे तो हम भी नहीं है मैडम, हमारे बारे में क्या ख्याल है? नहीं सर पहले ड्यूटी है ना, ड्यूटी पे है, अभी बाद में करेंगे वो बात। अरे पहले यार कर लूंगा शादी मैडम से। तो मैंने भी बोल दिया मेरे को निका निका पढ़ने वाले और से पूछ लेते हैं ना कौन किससे करेंगे। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हो यार, कोई नंबर मांग रहा है, कोई रिंग पहना रहा है, कोई शादी कर रहा है, क्या ये क्या चल रहा है? तो मैडम अब आपके पास कुछ है नहीं ना, कोई कागज है ना हेलमेट है तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? तो ये चालान के रूल आ गए हैं? नहीं मैडम ये नया कानून आया है कि अगर कोई लड़की को आप बिना हेलमेट के पकड़ो तो उसके साथ निकाह कर लो। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, निकाह कर लूंगा। अलग अलग होता है क्या और क्या? अच्छा तो मैडम देखो पूछताछ तो अपनी पूरी करेंगे ना, अगर आप भी हमारी जगह हुए तो आप भी पूछताछ करोगे ना, आप भी अगर ड्यूटी पे कर रही हो अपनी, जो आपकी ड्यूटी मिली हुई तो करोगे ना आप पूरी। वैसे मैडम रहती कहाँ हैं आप? हाईवे के उधर रहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप? चलाती हो? आईडी देनी पड़ेगी मुझे। आईडी? आईडी किस लिए? इंस्टाग्राम पे हम ये पता लगाएंगे कि आप इस वक्त कहाँ पर हो। होती है? नहीं मैडम देखो पूछताछ आजकल ये फाइल में आ गया है ना, पूछना पड़ता है। मोबाइल नंबर भी चाहिए आपका? मतलब मोबाइल नंबर तो चलो ठीक है, वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी समझ में, इंस्टाग्राम आईडी कौन मांगता है? वाह क्या सीन है। तो मैडम आपको शर्म नहीं आती, अब दो बॉयफ्रेंड लेके घूम रहे हो आप, एक अकेले को छोड़ के जा रहे हो, ये गलत बात है ना, एक अकेला रखो मेरे जैसा। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखा रहे वहीं चलो जाओ बात करो सर जी। क्या हो रही है? अजी मैडम जी। हाँ सर
सर आप बताइए। मैं पूछ रहा था आपसे, आपने दो बॉयफ्रेंड बना रखे हैं? क्योंकि दूसरे वाले ने आपको बाद में प्रपोज किया है ना? हाँ, जो बैठा हुआ था। तो ऐसा कोई दिक्कत है कि कोई पुलिस वाले से आप बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती किसी पुलिस वाले को? क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसी कोई दिक्कत है क्या आपके लिए? क्या बोल रहा आप दोनों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे थे आप। नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि क्या कहते हैं, अगर कोई पुलिस वाला हो, स्मार्ट हो, लंबा चौड़ा हो, देखने में ठीक ठाक लग रहा हो, तो अगर वो आपको प्रपोज करे तो आप मना कर दोगे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मैडम बात सुनो, आप बात ऐसी है कि आप खुद सोचो, ऐसे लड़कों के साथ घूम रही हो जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो कानून के रखवाले हो तो वो आपकी कितनी रखवाली करेंगे? आपको सोचना समझना चाहिए थोड़ा, ऐसा है ना? तो अगर मैं आपको बोलूँ हम दोस्त बन सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये क्या हो गया, चोट लग गई आपके हाथ में? जल गया था। वैसे आपका हाथ बहुत प्यारे हैं, नाजुक नाजुक से एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या कहते हैं, रुई में ना। बहुत अच्छे हैं मतलब आपके हाथ ना। क्या हो गया था? ये क्या तरीका, एक साथ बात कर लो ना, गाड़ी तो हम चला रहे थे, अब इनका कैसे हाथ बात पकड़ रहे हो? हाथ नहीं है, चोट लगी थी। ये पूछताछ करी सर? यही पूछा, आज तक नहीं देखा ऐसा। तो मैडम कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए भर जाओ आप तीनों चीजें। किस चीज के? बट किस चीज के? 1 लाख का एक लाख का हेलमेट, 1 लाख की आरसी, 1 लाख का इंश्योरेंस, 1 लाख का। 1 लाख की नहीं है, मैं इतना 3 लाख का वो कैसे भर दूं? मैडम ये नया कानून आया है, आज ही आया है एक नया कानून। अगर आपको आराम से घर जाना, बिना कुछ करे घर जाना, मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, इंस्टाग्राम आईडी दे दो। अरे सबसे बढ़िया बात, नंबर लेके करोगे क्या, आईडी लेके करोगे? देखो सबसे बढ़िया बात, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बहुत इजी, हम दोनों में से एक को पसंद कर लो, आप बताओ कौन सा पसंद। बस बस जी, बस लेकिन हो गया खत्म, हो गया खत्म, चालान बनने के आप पैसे नहीं दे रहे तो हो गया। ये क्या सीन है, एक मतलब दोनों में से एक को पसंद, देख लो आप, अपना टाइम लो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करें ना, लेके चढ़े क्या थाने, लग रहा लेके जाना पड़ेगा सर। प्लीज छोड़ दो, बस आगे तक ही जा रहे थे यहाँ पे, इसको भी ना कोचिंग जाना है, लेट हो रहा है, हमें भी घर जाना है। आपको कोचिंग जाना, छोड़ दो प्लीज सर, उसकी तबीयत भी। मैं चली जाऊंगी खुद, मेरे को इनके साथ क्यों जाना। मैं छोड़ देता हूँ सर जी, कोचिंग जाना है, देखो वैसे ही परेशान है, थोड़े कपड़े थोड़े ज्यादा बड़े पहन रखे ना, तो यार दिक्कत होगी। एक काम करता ना, सबसे बढ़िया इन दोनों को ले चलो थाने, मैं इन्हें छोड़ के आ रहा हूँ इनके घर और कोचिंग तक। ये क्या बात हुई सर, हमेशा ऐसे करते हो सर, हमें भी छोड़ दीजिए प्लीज। कोई ना छोड़ो, मैं अकेले चली जाऊंगी। बट ये टॉपिक खत्म करो, 5 लाख का चालान कौन काटता है? अरे चालान 1 रुपए का ना काटेंगे हम, आप हमारे साथ चलो, फ्री सब फ्री कर देंगे ना सर। चलान काटें देंगे, छोड़ देंगे वहाँ पे जाके, बस आपको फोन मिलाना है अपने घर वालों को, है नी जी गाड़ी। देखो भाई सुनो मेरी बात, घर जाना पड़ेगा मेरे को इनके साथ, वहाँ बताना पड़ेगा इन्हें कि मैं पसंद आ गया, वो सॉरी मतलब इन्हें हमने 2 लड़कों के साथ पकड़ा है, और मैं इनकी और मैं इनके लिए अपना रिश्ता लेकर जो सॉरी मैं इनके घर आ गया हूँ कंप्लेंट करने। सर जबान ज्यादा है, फिसल गई, सॉरी गलती हो रही है यार, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मसला ये है अब इनकी कंप्लेंट शिकायत करनी पड़ेगी ना घर, और तुम दोनों भी जल्दी से घर पे से किसी को बुला लो फटाफट, जो इसके आरसी और इंश्योरेंस वगैरह लिए हैं। सर जी जरा बात करो, मैडम इधर आओ, ये मैडम मुझे लग रही है कुछ अलग में बात करेंगे। हाँ जी अब बोलो सर, आज के बाद ना जब भी जाएंगे हम हेलमेट पहन के जाएंगे, और मैं इनके साथ कभी नहीं घूमूंगी। मैडम एक बात पे तो छोड़ सकूं, बोलो अपना मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप, क्या करूं दोनों की, ठीक है हमारी पुलिस वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी जॉब वाले हैं, हमें तो लोग ढूंढते हैं। सरकारी जॉब वाले हो तो क्या यार, ऐसे में कैसे कैसे किसी से भी शादी कर लूंगी? अच्छे नहीं लग रहे क्या, बहुत बुरे लग रहे क्या? बात बुरे और अच्छे लगने की नहीं है ना, ऐसे में किसी से भी रस्ते चलते शादी कर लूंगी। रस्ते चल के कौन शादी करेगा मैडम, एक हॉल बुक करेंगे। अच्छा मिलने की बात हो रही है, टेंशन ना लो मैडम, हॉल बुक करेंगे बढ़िया सा, तुम और मैं उसमें आएंगे, जो क्या होता है वो स्टैंड से जो चलता हुआ आता है, तुम अपने हाथ में माला पकड़ना, मैं अपने हाथ में माला पकड़ूंगा, एक दूसरे को पहना कर सीधा 3 महीने के वो हनीमून पे निकलेंगे बाहर। पागल वागल हो गए हो क्या आप, मतलब किसी लड़की को देखो और आपने इतने सारे सपने देख लिए, क्या है क्या है? सर कुछ गलत कह दिया? हाँ और बहुत गलत बोला, बिल्कुल सही कह रही मैडम, ऐसे थोड़ी होता, हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। पहले ना तुमने कॉफी के लिए पूछा, ना रात को डिनर के लिए पूछा, तुम सीधा शादी हनीमून ऐसे। नेक्स्ट टाइम को भी नहीं होगा। चलो आगे से हेलमेट लगा के चलना, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है भाई। देखो आज हम यहाँ खड़े हैं, धूप पसीना एक कर रहे हैं, बुक के खड़े हैं यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए हेलमेट, चाबी तो दे दो। और ये ले भाई ये ले, और सुनो मेरी बात, हेलमेट लगा के चला करो, ठीक है भाई, तुम्हारी सेफ्टी है। और ट्रिपलिंग नहीं,
ठीक है, आगे से अगर तुम्हें कहीं जाना हो मैडम हमें मुझे फोन करना, मैं अकेला लेना, मतलब जाओ यार जाओ जाओ है शरीफ में से शरीफ लौंडे हैं, लेकिन दो दो बॉयफ्रेंड एक लड़की के आराम से जाओ, कोई बात नहीं। और मैडम जो आप कह रहे हो ना बार बार थोड़ी दूर जा, थोड़ी दूर जा रही थी, तो थोड़ी दूर में कुछ पता नहीं होता हादसा कब हो जाए, किसके साथ कहाँ क्या हो जाए, है ना, थोड़ी दूर चले जाओ, हेलमेट लगाओ जरूरी। नेक्स्ट टाइम मैं लगा के निकलूंगी, चाहे मुझे 5 मिनट की दूरी पे भी जाना होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आईडी आपकी मिली नहीं मुझे, कोई बात नहीं, इसका आईडी मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं, जाइए मैडम जाइए, घर वालों से बात कर लेना मेरे बारे में, आज मैं मतलब जाइए, कोई बात नहीं।